ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగిన భారత్ బంద్ లో అన్ని పార్టీలకు చెందిన నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. రైతులు పిలుపునిచ్చిన భారత్ బంద్ కు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నూతన వ్యవసాయ బిల్లులను వెంటనే రద్దు చేయాలని కోరుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. बारे में जो काला कानून लेकर आई, इसके अंदर जो है को हम कांग्रेस पार्टी वाले भी और जो आज पार्टी के लीडर भी जो है को इसके खिलाफ है. और हम काश्तकार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ये काले कानून के लिए लड़ते रहेंगे. और हर जो है को बीजेपी सरकार यही चाहती कि जय जवान जय किसान का जो नारा लगाती है, आज पूरे किसानों से वोट मटोर के लेके आज उनके गले पे जो है को छुरी काट रही. हम इसके समर्थन में खड़े रहेंगे, ये कभी कानून लाने नहीं देंगे. और जो आज किसान भाइयों को जो है तो परेशान करके रखा है, आज हमारे दिल्ली में किसान भाई जो है तो ऐसे रस्ते उनके जाम कर दे रहे, जैसा कि कोई आतंकवादी हमारे अंदर घुसा रहा क्या है कि इस तरीके से रस्ते जाम कर रहे. अरे किसान है, आज ये देश को खाना अनाज दाना देने वाला है. ये जवान है, आज बॉर्डर पे हमारे रक्षा करने वाले है. ये वो लोग है, आज इन्हीं लोगों को जो है तो आज बीजेपी सरकार परेशान कर रही है. हम यही बीजेपी सरकार के मिनिस्टरों से, उनके प्राइम मिनिस्टर से हम ये पूछना चाहते हैं, बॉर्डर पे कोई आपकी औलाद नहीं है, आज किसान में कोई आपकी औलाद नहीं है. किसान पे है तो किसान का बेटा जवान बॉर्डर पे है, और खेत में है तो किसान है. आज ये हमको पालने वाले, मुझे मौका दिया उसको मैं अपनी बात को खत्म.